फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ अलग और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, मूंग दाल का पराठा, वो भी कचौरी फ्लेवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल कचौरी जैसा है। जब भी आपको कचौरी की याद आए तो आप पराठे बनाएं बहुत ही आसानी से और पेट भर कर खाएं। पराठे की स्टफिंग के लिए मैंने 2 कप दाल ली है, वज़न में ये 400 ग्राम है। दाल को 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। दाल में 3 इंच के करीब पानी डालकर 1 घंटे के लिए इसे भिगोकर रख देंगे। एक घंटा हो गया है और देखिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है। दाल को बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और गैस पर हम इसे पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर। इसमें आप पानी ज़्यादा नहीं डालें, बस इतना ही रहने दें क्योंकि हमें दाल को ड्राई रखना है। पानी इसमें बस उतना ही डालें कि दाल पक जाए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो दाल ओवर कुक हो जाएगी और आपके पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। इसमें हल्की सी उकाली आ गई है तो प्लेट से ढककर हम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम दाल को चेक कर लेते हैं और देखिए ये थोड़ी सी पक चुकी है दाल। तो देखिए हमें दाल को इस तरीके से सॉफ्ट रखना है, ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। दाल को आप चलने में इस तरीके से निकाल लें ताकि दाल का सारा पानी निकल जाए और दाल ड्राई रहे। अब हम मसाला बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 20 लौंग ली है, 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे, 20 से 25 काली मिर्ची, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक डालकर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। ये देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करा है, दरदरा रखा है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया था, इसमें दाल डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा भी पानी होगा वो टूट जाएगा। दाल ड्राई हो गई है, अब हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देंगे। आप मसाला इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने मसाला बनाया था उसमें से बस 1.5 चम्मच मसाला ही बचा है, बाकी सब मैंने इसमें डाल दिया है। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, मसाला पीसते टाइम भी आप इसमें हींग डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और 2 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम पराठे बनाने के लिए डो बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ 2.5 कप, मतलब ये 500 ग्राम आटा है, और इसमें 1/4 कप हम बेसन डालेंगे ताकि पराठे एकदम क्रिस्पी बने। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मोन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो पराठे फटने लगेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पूड़ी के डो जैसा हम इसका डो बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे। देखिए इस तरीके से पूड़ी के आटे जैसा हमें लगाना है, न ज़्यादा सॉफ्ट न ज़्यादा हार्ड। इसे हम एक जैसा करके और प्लेट से ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे।
दो में से थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह पेड़ा बना लेंगे और सूखा आटा लगाकर हम रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो दो चम्मच डालेंगे इसमें और रोटी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उंगलियों से इस तरीके से दबा देंगे। अब इसमें धार वाली कोई सी भी कटोरी से कट करेंगे और आसपास का आटा हटा देंगे। देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे इस तरीके से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकले। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और पराठे की तरह हम इसे पतला बेल लेंगे। आप इसे कितना भी पतला बेल सकते हैं, इसका जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा, आप हल्के हाथ से बेलें। फ्रेंड्स, स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसके पराठे बनाएं, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी। अब देखिए पराठे को इस तरीके से उठाएंगे ताकि ये टूटे नहीं और गर्म पैन पर हम इस तरीके से इसे डाल देंगे और इसे हम पराठे की तरह सेक लेंगे। पैन मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, इसे हम स्लो फ्लेम पर दोनों साइड से दो दो मिनट सेक लेंगे और तेल लगाकर हम पराठे की तरह क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम और हाई करके पराठे को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप इसमें तेल अच्छा लगाएं तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और देखिए दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी पराठे सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये ठंडे होने के बाद भी कितने क्रिस्पी हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका मसाला बिल्कुल कचौरी के मसाले जैसा ही है और आपको बहुत पसंद आएगा।